हाय स्टूडेंट, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आओगे तो बीकॉम सेम फोर प्रीमियम कोर्स आपको दिखेगा। उसमें 104 वीडियोस हैं और वो भी अकाउंट और स्टेट के हैं। इसको आप क्लिक करके पूरे वीडियो देख सकते हो, कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे वीडियो पर क्लिक किया तो ये सब जो वीडियो है आप देख सकते हो, ये है बीकॉम सेम फोर के अकाउंट और स्टेट के। और ये सभी वीडियो आपको देखने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर अभी आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फोर ऑडिटिंग उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन वन जो है ना वो यूनिट वन में से आएगा। अभी यूनिट वन में जो है ना पांच चैप्टर हैं ऑडिटिंग में, पांच चैप्टर हैं यूनिट वन में, ध्यान रखना। और क्वेश्चन टू जो है वो यूनिट टू में से आएगा, उसमें एक ही चैप्टर है सिर्फ। मैंने तीन क्वेश्चन दिए हैं, तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन वो पढ़ोगे क्वेश्चन टू कवर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चैप्टर है। इसी तरह क्वेश्चन थ्री जो है वो यूनिट थ्री में से आएगा, उसमें दो चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर दो हैं, 14 मार्क के आएंगे। और क्वेश्चन फोर जो है वो यूनिट फोर में से आएगा, उसमें भी दो चैप्टर हैं पर मैंने एक ही चैप्टर के IMP दी है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन फाइव जो है MCQs आने के चांसेस हैं। ओके, और मीन्स आएंगे कैसे, ऐसा हो सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो और मैं 77 मार्क के दो क्वेश्चन हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे आ सकता है। तो इधर हुई पेपर स्टाइल। अभी देखो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। अभी यूनिट वन जो है जिसमें क्वेश्चन वन कवर होने वाला है, उसमें पांच चैप्टर हैं। चैप्टर वन में एक ही क्वेश्चन दिया है, डिफाइन ऑडिटिंग स्टेट कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ज़्यादातर। और चैप्टर टू, उसमें देखो मैंने कौन से दिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस द ऑब्जेक्टिव इन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टीमिंग एंड लेंडिंग मेथड, हाउ इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश डन बाय इट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला फर्स्ट एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग, हाउ वुड यू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, हाउ वुड यू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। और इसके बाद स्टेट एट एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, पर ये ऊपर वाले तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, ये दो चैप्टर हुए, अभी तीसरा चैप्टर भी है, ये यूनिट वन में ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, इसमें स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। इसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ कंटिन्यूस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट इन डेप्थ, इफिशेंसी ऑडिट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस ऑडिट, एनुअल ऑडिट एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट, ऑडिट इन डेप्थ। ठीक है, तो ये चैप्टर थ्री में है। चैप्टर फोर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू ऑडिट। कभी भी न्यू ऑडिट स्टार्ट करें तो कौन सी पॉइंट है आपको माइंड में होनी चाहिए। व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट, ऑडिट नोटबुक, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट नोटबुक, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम एंड डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड रैंडम चेकिंग, ये फोर्थ चैप्टर। अभी फिफ्थ चैप्टर में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, डिफाइन इंटरनल चेक, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल चेक, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटरी ऑडिट। ये पांच चैप्टर आप करोगे ना तब जाके आपका क्वेश्चन वन कवर होगा। ठीक है, ये करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आते हैं। मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने पड़ेंगे। ये पांच चैप्टर में आपका क्वेश्चन वन कवर होगा। अभी देखो यूनिट टू में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 10 कंपनी ऑडिटर, और उसमें भी मैंने सिर्फ तीन ही क्वेश्चन दिए, ये तीनों ही मोस्ट ऑफ आते हैं। ठीक है, तो ये तीन पढ़ोगे उसमें क्वेश्चन टू आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, स्टेट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, एंड लास्ट राइट शॉर्ट नोट, राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, लीन ऑफ एन ऑडिटर। ये तीन क्वेश्चन पढ़ोगे ना इसमें आपका क्वेश्चन टू कवर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तीन क्वेश्चन दिए और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट टू में आपका क्वेश्चन टू कवर हो जाएगा। अभी यूनिट थ्री में दो चैप्टर हैं, आपको ये दो चैप्टर करोगे तो इसमें आपके क्वेश्चन थ्री कवर हो जाएगा। चैप्टर सिक्स, इसमें तीन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाउचिंग, व्हाट पॉइंट्स विल यू कंसीडर व्हाइल वाउचिंग, डिस्कस ड्यूटीज एंड ऑडिटर इन रिगार्ड ऑफ वाउचिंग।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाउचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, ये तीन क्वेश्चन करने हैं आपको चैप्टर सिक्स में से। चैप्टर सेवन में हाउ विल यू वाउच द फॉलोइंग, चैप्टर सेवन में आपको ये आपको वाउचिंग करोगे तो इनको किस तरह करोगे, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना, मीन्स वाउच करो, तो उसमें ये आइटम है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। वेजेस एंड सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल, ऑडिट फी, अंडरराइटिंग कमीशन, डायरेक्टर फीस, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेलवे फ्रेड एंड कस्टम ड्यूटी, गुड्स सेंड टू ब्रांच, प्लेनरी एक्सपेंस, ये आपको भाई वाउच किस तरह करोगे एज अ ऑडिटर वो आपको बताना है। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर आप करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन थ्री कवर हो जाएगा। अभी यूनिट फोर, यूनिट फोर में ऐसे दो चैप्टर हैं पर मैंने एक ही चैप्टर दिया है, इसी चैप्टर में आप करोगे तो क्वेश्चन फोर कवर होने का पूरा चांसेस है। चैप्टर एट करना है तो इसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादातर आता है। इसके बाद व्हाट इज वेरिफिकेशन स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्क्राइब द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। इसके बाद व्हाट इज मीन बाय कंटिजेंट लायबिलिटी, गिव थ्री एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। इसके बाद है राइट फोर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, हाउ विल यू वेरीफाई सच एसेट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। इसके बाद हाउ विल यू वेरीफाई, ये भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप वेरीफाई किस तरह करोगे एज एन ऑडिटर, गुडविल, लीज ऑल प्रॉपर्टी, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड लोन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, ये चैप्टर एट करना है। चैप्टर नाइन भी है पर उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये जो चैप्टर एट है जितने मैंने क्वेश्चन दिए ये आपको करने हैं, ये सब आपने अच्छे से कर दिए तो इसमें आपका क्वेश्चन फोर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे IMP देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।